गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब आपको पता ही है कि विंटर्स आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग और उसके साथ साथ आएंगी काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम, जिसमें से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है ड्राइनेस। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे स्किन केयर हैक्स जो कि आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि थ्रू आउट विंटर यानी कि पूरे विंटर्स में आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, ग्लोइंग और एकदम नरिश रहे। ऑल द हैक्स आर प्रिटी ईजी टू फॉलो, तो आई एम श्योर कि आपको कोई इश्यूज़ नहीं होंगे इनको फॉलो करने में। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ दैट एक्सफोलिएट योर लिप्स। तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारे जो लिप्स है वो चैपी लगे, यानी कि उनकी जो डेड स्किन है वो फॉल आउट करे। इससे हमारे जो लिप्स है उसकी स्किन तो फटेगी ही, साथ ही साथ अगर आप लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो आपकी लिपस्टिक भी आपके लिप्स पे ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। एंड विंटर्स में तो ये बहुत ज़्यादा होता है फटे होठ की प्रॉब्लम। तो आप अभी से ही शुरू कर दीजिए अपने लिप्स को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करना। अच्छा वाला लिप बाम लगाया कीजिए, जो भी आपका फेवरेट है, नहीं है तो आप वैसलीन लगाया कीजिए। और अगर आपको और भी नेचुरल जाना है या फिर आपके जो लिप्स है वो बहुत सीवियरली फटते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप रात में सोने से पहले थोड़ा सा घी होता है ना, उसको अप्लाई कर लीजिए अपने लिप्स पर और आप सो जाइए। तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग ये खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपकी जो लिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा नरिश्ड और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज और सॉफ्ट हो गए हैं। सेकेंड जो टिप है वो ये है कि आप स्विच कर लीजिए वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स पर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, नो मैटर वॉट, हम कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लें हमारी जो स्किन है वो ड्राई होती ही है। तो आप अपना जो CTM रूटीन है, दैट इज़ अ क्लेंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग रूटीन, उसके बाद आप एक ऐसा मॉइस्चराइजर लगाइए जो कि वाटर बेस्ड हो। इससे क्या होगा, स्पेशली अब विंटर्स में ये आपके स्किन पे एक्स्ट्रा हाइड्रेशन ऐड करेगा, एक्स्ट्रा कंटेंट ऑफ वाटर ऐड करेगा, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। कुछ मॉइस्चराइजर्स के नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लीजिएगा। थर्ड जो टिप है वो ये है कि जब भी आप शावर के लिए जाए तो उसका जो टेम्परेचर है वो कम रखिए। मैं जानती हूँ कि गर्म पानी से नहाना एक बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग जैसा होता है सर्दियों में, लेकिन इससे क्या होता है, अगर आपका जो पानी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा तो इससे आपकी जो बॉडी के और जो फेस के ऑयल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रिप ऑफ हो जाएंगे, यानी कि चले जाएंगे, जिस वजह से आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो जो टेम्परेचर है उसको मिनिमम रखिए, गुनगुने पानी से नहा लीजिए। और साथ ही साथ ये आपके बालों के लिए भी जाता है, आप ज़्यादा गर्म पानी से अपने बालों को मत धोइए वरना वो और ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि विंटर्स में स्पास बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेकिन अब हम हर बार तो एक स्पा पार्लर में नहीं जा सकते हैं ना, तो इसलिए आप जब भी नहाने जाएँ तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा कोई भी आपका फेवरेट एसेंशियल ऑयल डाल लीजिए। आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपका जो बाथिंग एक्सपीरियंस है वो कितना ज़्यादा लग्जूरियस और लैविश हो गया और साथ ही साथ आपकी स्किन को बेनिफिट भी कर रहा है। नेक्स्ट टिप इज़ टू लेयर योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। और विंटर्स आ गए हैं तो हमारी स्किन को ज़्यादा अटेंशन चाहिए है, इसलिए जब भी आप मॉइस्चराइजर या फिर नाइट क्रीम लगाएं उससे पहले मेक श्योर कि आप एक हाइड्रेटिंग, एक अच्छा सा सीरम अप्लाई कर लें। इससे जो आपकी स्किन है उसमें ग्लो भी बना रहेगा, टाइटनेस भी बनी रहेगी और वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि आप एक अच्छा सा हाइड्रेटिंग फेस मास्क इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि मिल्क का हुआ क्योंकि वो ड्राई स्किन को एलिमिनेट करता है, या फिर पपाया या फिर बनाना, ऐसा जो फेस मास्क जो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रख सकता है वही खरीदिए और उसको ही अप्लाई कीजिए। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो जब भी आप खरीदेंगे तो डेफिनेटली आप चेक कर लीजिए कि दैट इज स्पेसिफिकली फॉर विंटर्स एंड इट इज प्रीटी हाइड्रेटिंग। द नेक्स्ट स्टेप इज दैट प्लीज स्टॉक अप ऑन हैंड क्रीम्स। आपके हाथ बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाते हैं, आप इतना सारा काम करते हैं घर का एंड बाहर का, इस वजह से आपकी जो हैंड्स है वो हमेशा मोशन में रहते हैं, इसकी जो स्किन है वो जल्दी डैमेज हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो स्पेशली विंटर्स के लिए आप एक अच्छी सी ये हैंड क्रीम खरीद लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। आपके जो हाथ है वो सॉफ्ट और सफल रहेंगे थ्रू आउट द विंटर। पूरे विंटर्स में आपको ये फील नहीं होगा कि आपके हाथ जो है वो ड्राई हो रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा ड्राइनेस होगी तो नेल्स के पास के जो क्यूटिकल्स हैं वो भी निकल आएंगे, तो दैट इज़ लाइक वो पेनफुल भी होते हैं एंड बहुत मैसी भी होते हैं। तो टू अवॉइड दैट प्लीज़ यूज़ अ हैंड क्रीम। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आप अपने मॉइस्चराइजर को सही टाइम पर इस्तेमाल कीजिए। आप नहाने के बाद इसका इंतज़ार मत कीजिए कि आपकी पूरी बॉडी सूख जाएगी, ड्राई फील होने लगेगी, तब आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे। आप अपने मॉइस्चराइजर को तभी अप्लाई कीजिए जब आपकी जो बॉडी है वो हल्की सी डैम्प हो, यानी हल्की सी गीली हो। तो इस कंडीशन में जो मॉइस्चराइजर है वो ज़्यादा सिंक होगा आपकी बॉडी में, अंदर तक जाएगा सेल्स में एंड काफ़ी देर तक आपकी स्किन पर रहेगा और आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। द नेक्स्ट टिप इज़ दैट प्लीज़ यूज़ अ ल्यूमिनस फिनिश फाउंडेशन। तो विंटर्स में ऑलरेडी इतना सब कुछ ड्राई होता है और उसमें हम मैट लगा लेंगे तो उससे हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा और ड्राई और डल और लाइफलेस लगने लगेगी। तो अगर आप फाउंडेशन खरीद रहे हैं तो आप कोई ऐसा फाउंडेशन खरीदें जिसमें ऑयल का कंटेंट हो, प्रेफरेबली आर्गन ऑयल या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें ल्यूमिनस हो, मतलब जो थोड़ा सा ल्यूमिनस हो, थोड़ा सा चमकीला हो, थोड़ा सा शाइनी ग्लॉसी हो,
ताकि आपकी जो फेशियल स्किन है वो बिल्कुल भी डल एंड डैमेज एंड लाइफलेस ना लगे फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद। एंड जो लास्ट टिप है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एंटायर बॉडी, वो ये है कि आप प्लीज़ अच्छी तरीके से पानी पीजिए। मैं जानती हूँ कि विंटर्स में सर्दियों में इतनी प्यास नहीं लगती है हमें और हम पूरा पूरा दिन बिना पानी के गुजार देते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा गलत है। जस्ट बिकॉज विंटर्स हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम पानी नहीं पियेंगे, क्योंकि इससे हमारी स्किन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा एंड ट्रस्ट मी आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। तो आप ज़रूर पानी पीजिए, क्योंकि आप पानी पियेंगे तो आपकी स्किन अंदर से हाइड्रेटेड रहेगी, अंदर से मॉइस्चराइज रहेगी, क्योंकि हमें क्रीम्स के साथ साथ अंदर से भी तो हमारी बॉडी को हेल्दी रखना ही है, राइट? तो पानी ज़रूर पीजिए और एडिकेट अमाउंट में पीजिए ताकि आपकी जो बॉडी है वो हमेशा हाइड्रेटेड रहे। तो यस गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। ये थे कुछ हैक्स जो कि आपको फॉलो करने हैं आपकी स्किन को नरिश और हाइड्रेटेड रखने के लिए इन दीज चिली विंटर्स। ऑल्सो मैं आगे बहुत सारे वीडियोज़ लाती रहूँगी रिलेटेड टू विंटर्स, हेयर हैक्स एंड बॉडी हैक्स। तो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। एंड अगर रहा हो देन आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड अब हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।